उज्जैन में भर्तृहरि की गुफा स्थित है। इसके संबंध में ये माना जाता है कि यहाँ भर्तृहरि ने तपस्या की थी। ये गुफा शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में है। गुफा के पास ही शिप्रा नदी बह रही है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है। जब हम इस गुफा के अंदर जाते हैं तो सांस लेने में भी कठिनाई महसूस होती है। गुफा की ऊंचाई भी काफी कम है, अतः अंदर जाते समय काफी सावधानी रखनी होती है। यहाँ पर एक गुफा और है जो कि पहली गुफा से छोटी है। यह गोपी चंद की गुफा है जो कि भर्तृहरि का भतीजा था। गुफा में प्रकाश भी काफी कम है, अंदर रोशनी के लिए बल्ब लगे हुए हैं। यदि किसी व्यक्ति को डर लगता है तो उसे गुफा के अंदर अकेले जाने में भी डर लगेगा। यहाँ की छत बड़े बड़े पत्थरों के सहारे टिकी हुई है। गुफा के अंत में राजा भर्तृहरि की प्रतिमा है और उस प्रतिमा के पास ही एक और गुफा का रास्ता है। इस दूसरी गुफा के विषय में ऐसा माना जाता है कि यहाँ से चारों धामों का रास्ता है। गुफा में भर्तृहरि की प्रतिमा के सामने एक धुनी भी है जिसकी रात हमेशा गर्म ही रहती है। गौर से देखने पर आपको गुफा के अंत में एक गुप्त रास्ता दिखाई देगा जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से चारों धामों को रास्ता जाता है। उज्जैन को उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता था। उज्जैनी शहर के परम प्रतापी राजा हुए थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्व सेन थे और उनके दो पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र थे भर्तृहरि। गंधर्व सेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तृहरि को प्राप्त हुआ क्योंकि भर्तृहरि विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भर्तृहरि धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार भर्तृहरि की दो पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरा विवाह किया पिंगला से। पिंगला बहुत सुंदर थी और इसी वजह से भर्तृहरि तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित हो गए थे। कथाओं के अनुसार भर्तृहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर काफी मोहित थे और वे उस पर अंधा विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुँचे। भर्तृहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा एक फल दिया और कहा कि ये खाने से वे सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बूढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। ये चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ वहाँ से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है, क्योंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे। उन्होंने सोचा कि यदि ये फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वैश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वैश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे ये गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा, नर्क समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेगा तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देता रहेगा। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर हतप्रभ रह गए। राजा ने वैश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वैश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तृहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया। सती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तृहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गया कि पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तृहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। इसी गुफा में भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। राजा भर्तृहरि की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तृहरि वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। यह सोचकर इंद्र ने भर्तृहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तृहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तृहरि के पंजे का निशान बन गया। ये निशान आज भी भर्तृहरि की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। ये पंजे का निशान काफी बड़ा है जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तृहरि की कदकाठी कितनी विशालकाय रही होगी।
भर्तृहरि ने वैराग्य पर वैराग्य शतक की रचना की, जो कि काफी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचना की। ये तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध हैं और पढ़ने योग्य हैं। उज्जैन के राजा भर्तृहरि के पास 365 पाकशास्त्री यानी रसोई थे, जो राजा और उसके परिवार और अतिथियों के लिए भोजन बनाने के लिए एक रसोई को वर्ष में केवल एक ही बार भोजन बनाने का मौका मिलता था। लेकिन इस दौरान भर्तृहरि जब गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में चले गए तो भिक्षा मांग कर खाने लगे थे। एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो राजा होकर भी इसने काम क्रोध लोभ तथा अहंकार को जीत लिया है और दृढ़ निश्चय है। शिष्यों ने कहा, गुरु जी ये तो राजाधिराज हैं, इनके यहाँ 365 तो बावर्ची रहते थे, ऐसे भोग विलास के वातावरण में से आए हुए राजा और कैसे काम क्रोध लोभ रहित हो गए। गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तृहरि से कहा, भर्तृहरि जाओ भंडारे के लिए जंगल से लकड़ियां ले आओ। जंगल से लकड़ियां एकत्रित करके सिर पर बोझ उठाकर ला रहे थे। गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा, जाओ उसको ऐसा धक्का मारो कि बोझ गिर जाए। चले गए और ऐसा धक्का मारा कि बोझ गिर गया और भर्तृहरि गिर गए। भर्तृहरि ने बोझ उठाया लेकिन न चेहरे पर शिकन, न आंखों में आके गोले, न होंठ फड़के। गुरु जी ने चेलों से कहा, देखा भर्तृहरि ने क्रोध को जीत लिया है। शिष्य बोले, गुरुजी अभी तो और भी परीक्षा लेनी चाहिए। थोड़ा सा आगे जाते ही गुरुजी ने योग शक्ति से एक महल रच दिया। गोरखनाथ जी भर्तृहरि को महल दिखा रहे थे। युवतियां अनेक प्रकार के व्यंजन बना रही थी, आदि से सेवक उनका आदर सत्कार करने लगे। भर्तृहरि युवतियों को देखकर कामी भी नहीं हुए और उनके नखरों पर क्रोधित भी नहीं हुए, चलते ही गए। गोरखनाथ जी ने शिष्यों को कहा, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो ही गया है कि भर्तृहरि काम क्रोध लोभ आदि को जीत लिया है। शिष्यों ने कहा, गुरु देव एक परीक्षा और लीजिए। गोरखनाथ जी ने कहा, अच्छा भर्तृहरि हमारा शिष्य बनने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जाओ तुमको एक महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। भर्तृहरि अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चल पड़े। पहाड़ी इलाका लांघते लांघते राजस्थान की मरुभूमि में पहुँचे। धधकती बालू कड़ाके की धूप, मरुभूमि में पैर रखो तो बस जल जाए। एक दिन दो दिन यात्रा करते करते 6 दिन बीत गए। सातवें दिन गुरु गोरखनाथ जी अदृश्य शक्ति से अपने प्रिय चेलों को भी साथ लेकर वहाँ पहुँचे। गोरखनाथ जी बोले, देखो ये भर्तृहरि जा रहा है, मैं अभी योग बल से वृक्ष खड़ा कर देता हूँ, वृक्ष की छाया में भी नहीं बैठेगा। अचानक वृक्ष खड़ा कर दिया। चलते चलते भर्तृहरि का पैर वृक्ष की छाया पर आ गया तो ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। मरुभूमि में वृक्ष कैसे आ गया, छाया वाले वृक्ष के नीचे पैर कैसे आ गया। गुरु जी की आज्ञा थी मरुभूमि में यात्रा करने की, कूद कर दूर हट गए। गुरु जी प्रसन्न हो गए कि देखो कैसे गुरु की आज्ञा मानता है। जिसने कभी पैर गलीचे से नीचे नहीं रखा वह मरुभूमि में चलते चलते पेड़ की छाया का स्पर्श होने से अंगारे जैसा एहसास करता है। गोरखनाथ जी दिल में चेले की दृढ़ता पर बड़े खुश हुए लेकिन और शिष्यों के मन में ईर्ष्या थी। शिष्य बोले, गुरुजी ये तो ठीक है लेकिन अभी तो परीक्षा पूरी नहीं हुई। गोरखनाथ जी रूप बदल कर भर्तृहरि से मिले और बोले, जरा छाया का उपयोग कर लो। भर्तृहरि बोले, नहीं मेरे गुरुजी की आज्ञा है कि नंगे पैर मरुभूमि में चलूं। गोरखनाथ जी ने सोचा, अच्छा कितना चलते हो देखते हैं। थोड़ा आगे गए तो गोरखनाथ जी ने योग बल से कांटे पैदा कर दिए। ऐसी कंटीली झाड़ी की कंथा फट गया, पैरों में शूल चुभने लगे, फिर भी भर्तृहरि ने आह तक नहीं की। भर्तृहरि तो और अंतर्मुख हो गए, यह सब सपना है, गुरु जी ने जो आदेश दिया है वही तपस्या है, ये भी गुरु जी की कृपा है। अंतिम परीक्षा के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से प्रबल ताप पैदा किया। प्यास के मारे भर्तृहरि के प्राण कंठ तक आ गए। तभी गोरखनाथ जी ने उनके अत्यंत समीप एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया जिसके नीचे पानी से भरी सुराही और सोने की प्याली रखी थी। एक बार तो भर्तृहरि ने उसकी ओर देखा पर तुरंत ख्याल आया कि कहीं गुरु आज्ञा भंग तो नहीं हो रही है। उनका इतना सोचना ही हुआ कि सामने से गोरखनाथ आते दिखाई दिए। भर्तृहरि ने दंडवत प्रणाम किया। गुरु जी बोले, शाबाश भर्तृहरि, वर मांग लो, अष्ट सिद्धि दे दूं, नवनिधि दे दूं। तुमने सुंदर सुंदर व्यंजन ठुकरा दिए, युवतियां तुम्हारे चरण पखारने के लिए तैयार थीं, लेकिन तुम उनके चक्कर में नहीं आए। तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो।
भर्तृहरि बोले, गुरुजी, बस अब प्रसन्न है, मुझे सब कुछ मिल गया। शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और यज्ञ तप सब सफल हो गए। गोरखनाथ बोले, नहीं भर्तृहरि, अनादर मत करो, तुम्हें कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ मांगना ही पड़ेगा। इतने में रेती में एक चमचमाती हुई सुई दिखाई दी। उसे उठाकर भर्तृहरि बोले, गुरुजी, कंठा फट गया है, सुई में ये धागा पिरो दीजिए ताकि मैं अपना कंठा सिल लूं। गोरखनाथ जी और खुश हुए की हद हो गई। कितना निरपेक्ष है, अष्ट सिद्धि नवनिधियां कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ मांगो तो बोलता है कि सुई में जरा धागा डाल दो। गुरु का वचन रख लिया, कोई अपेक्षा नहीं। भर्तृहरि तुम धान्य हो गए। कहा उज्जैनी का सम्राट नंगे पैर मरुभूमि में, एक महीना भी नहीं होने दिया, 7-8 दिन में ही परीक्षा से उत्तीर्ण हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।